पिछले रोज खबर सामने आई थी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बराड मारा गया है। इसी बीच पता चला है कि हत्या तो हुई थी लेकिन गोल्डी बराड की नहीं बल्कि हूबहू उसी की तरह दिखने वाले अन्य शख्स की, जो कि मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जब उस शख्स की हत्या हुई तो वहां से गुजर रहे एक पंजाबी शख्स ने समझ लिया कि ये गोल्डी बराड है जिसका कत्ल हुआ है। फिर उसने अफवाह फैला दी कि गोल्डी बराड की हत्या हो गई। गैंगस्टर सत्यवंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड की मौत के दावे को अमेरिका की पुलिस ने झूठा बताया है। कैलिफोर्निया की पुलिस के मुताबिक वहां के फ्रेस्नो इलाके में गोलीबारी की घटना जरूर हुई थी। इसमें दो लोग घायल भी हुए थे जिनमें से एक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। हालांकि ये शख्स गोल्डी बराड नहीं था। बता दें कि गोल्डी बराड मूल रूप से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। गैंगस्टर गोल्डी बराड का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। बराड के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। गोल्डी बराड कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा था लेकिन भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिए जाने के बाद वो कनाडा से भाग गया। खबर है कि गोल्डी इन दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपकर रह रहा है। गोल्डी बराड के खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI से कनेक्शन मिले हैं। बराड शार्प शूटरों की आपूर्ति के अलावा सीमा पार से गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी के अलावा हत्या करने के सभी सामानों की आपूर्ति करता था। गोल्डी बराड को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। देखना ये होगा कि कब पुलिस को सफलता मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की कार्रवाई में काफी कठिनाई आती है क्योंकि तब मामला सिर्फ एक ही देश से जुड़कर नहीं रह जाता। गोल्डी बराड के माता पिता ने नाम रखा था सतविंदर से। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, बेटे को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे लेकिन सतविंदर उर्फ गोल्डी बराड ने तो अपनी अलग ही राह चुन ली थी। गोल्डी बराड के चचेरे भाई गुरलाल बराड की चंडीगढ़ में हत्या हो गई। गुरलाल बराड लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी था। गुरलाल बराड और लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU से जुड़े रहे। गुरलाल बराड की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब नई जंग की शुरुआत है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। गोल्डी ने इस पर क्राइम का रास्ता चुना। गोल्डी गैंगस्टर्स के संपर्क में आया। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी मुलाकात हुई। फिर गोल्डी ने अपने भाई के कत्ल के आरोपी की गोली मार कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद गोल्डी चुपचाप तरीके से स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। पुलिस के मुताबिक गोल्डी चेहरा बदल बदल कर कनाडा में रहता है ताकि पकड़ा ना जा सके। पुलिस के पास इसकी 5 अलग अलग रूपों की तस्वीरें हैं। गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। गोल्डी बराड ने कुछ महीने पहले एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उसकी गैंग सलमान खान को जरूर मारेगी, जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसे मार देंगे। उसे लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी है। 9 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कर दिया गया। पहले लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली, फिर गोल्डी बराड ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देकर कहा कि मूसेवाले को उसने मरवाया है। उसने मूसेवाले पर लॉरेंस के कॉलेज फ्रेंड विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल में शामिल होने के आरोप लगाए। गोल्डी ने दावा किया था कि पुलिस ने मूसेवाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर उन्हें मर्डर करना पड़ा। गोल्डी ने हरियाणा और पंजाब के 6 शूटर भेजकर मूसेवाले की हत्या करवाई।